कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो अभी हम सब द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय की जलक 34वें श्लोक में है। तो ये जो श्लोक है इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, यानी भगवत गीता किसी चतुश्लोकी होता है, उसका चतुश्लोकी होता है 10.8, 9, 10, 11। जैसे इसका होता है 33, 34, 35, 36, 2.9.33, 34, 35, 36। अभी 34 में हम लोग हैं। ईश्वर तत्व तो हमने देख लिया कि कैसे भगवान सभी में, सब चीजों में, जो व्यक्त अव्यक्त जो भी है उसमें सब भगवान है। और प्रकृति के माया के बारे में बता रहे हैं कि माया कैसे काम करती है। तो हमने एक भाग देखा, कोई तो बता पाएगा क्या भाग है वो? क्या भाग है माया का, कौन सा भाग देखा हमने, कौन बताएगा हाथ रेज करके? अभी जो परपोट पढ़े ना हमने, उसमें देखा ना माया का कुछ तो। यस यस श्रेयांश जी। प्रभु जी, जिस चीज का संबंध हम भगवान कृष्ण से नहीं देखेंगे वही माया है। बस इस क्लैरिटी की वजह से तुम पूरे कनाडा में प्रचार कर सकते हो। यस। तो जो वस्तु है उसका केवल भगवान से कनेक्शन तोड़ देने मात्र से वो माया का प्रभाव चालू हो जाता है। वो वस्तु तो भगवान से ही कनेक्टेड है, परंतु उसका भिन्न कर देने से माया का प्रभाव हो जाता है। इसलिए आप एक ऑब्जर्वेशन करिएगा कि जो लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को या सब्जेक्ट को भगवान से कनेक्ट नहीं करते, उनकी बातों में एक शुष्क शुष्क फीलिंग आएगा, शुष्क यानी जैसे ड्राई। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बाद में एकदम ड्राई लगने लगेगा। उसका कारण है कि उसका जो मूल कनेक्शन है वो उन्होंने हटा दिया जो भगवान से, तो फिर वो सब ड्राई हो जाते हैं, ड्राई सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं। हाँ, जैसे वो कौन था, वो जैसे जैसे करके बोलता था, स्टीफन हॉकिंग, वो ईश्वर को छोड़ के बाकी सब बड़ी बड़ी बातें करता था। द पार्टिकल्स आर इन द क्वांटम, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करेगा, आपको लगेगा बाप रे बाप, हमको नहीं पता, इसी को पता है। जबकि वो पगला आम चेयर पे बैठ के बस स्पेकुलेशन कर रहा है, ठीक है, अपने दिमाग की फैंटेसीज को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डाल के हमको पका रहा है। लेकिन वो हमको वो लगता है कि अरे बाप रे बाप कितना स्पेशल है, लेकिन थोड़े देर बाद कोई उसका बुक धार्मिक रूप से नहीं पढ़ता है, लोग उसको पढ़ के अपनी थ्योरी भी चालू कर देते हैं। नो, एक्चुअली द क्वांटम व्हिच इट वुड हैव बीन डिवाइडेड इट, कुछ कुछ नया ये चालू कर देते हैं, क्योंकि वो खुद इतने स्पेकुलेटर है और उसमें कोई रस नहीं है, वो टेम्पररी नॉलेज को टिटिलेट करने वाला चीज है। इसलिए इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, जुगनू की तरह। रात में जैसे जुगनू आता है ना अंधेरे में, वो देखा ना, टिम 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 करता है और सुबह के सूर्य के सामने वो गायब हो जाता है। तो जुगनू का अंधकार में ही थोड़ा बहुत अस्तित्व है। तो कोई भी चीज, वस्तु, फिलोसॉफी, सिद्धांत, कोई भी इंटरेक्शन, कर्म, क्रिया, कोई भी कार्य, इसका अगर भगवान से वो हटा दिया जाए कनेक्शन, तो ये माया का माया कहलाए, ठीक है। ये हमने कल देखा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज वापिस परपोट्स के अगले पार्ट्स में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेव देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय विद्महे श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्येशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आइए 34वां श्लोक
पुनः पढ़ते हैं, इसको आप रट भी सकते हैं यानी मेमोराइज भी कर सकते हैं। प्रत्ययार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ओ ब्रह्मा, वॉट एवर अपियर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी हैज नो रियलिटी, नो इट एज माय इल्यूजरी एनर्जी दैट रिफ्लेक्शन व्हिच अपियर्स टू बी इन डार्कनेस। ठीक है, हिंदी का अनुवाद तो दिख रहा है। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो कल हमने ये देखा कि कैसे हम एक रस्सी को सांप समझ सकते हैं, सांप को रस्सी भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये किसने किया था याद है? किसने सांप को रस्सी समझ के दीवार चढ़ गया था, मालूम है किसी को? प्रभु जी, तुलसीदास। बिल्वा मंगल ठाकुर जो है, तुलसीदास जी का तो पता नहीं मुझे, पर स्टोरी देखना पड़ेगा तो। लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो चिंतामणि को मिलने जा रहे थे, तो चिंतामणि को मिलने जा रहे थे तो अंधेरा था, बादल बारिश घना घना बारिश में डेड बॉडी के ऊपर तैर के वो बाहर आए, और ऊपर में छत पे चढ़ना था तो वो एक रस्सी दिखा उनको, उसको लेके चढ़े। बाद में वो माता जी ने देखा तो उसे कोबरा है। तो ये प्रभाव था। तो लास्ट में चिंतामणि खुद बोलती है कि मुझे पाने के लिए तुम इतना ये कर सकते हो, इतना तुम कृष्ण के लिए करते तो अब तक कृष्ण तुम्हारे साथ होते। तो हम सब में वो एनर्जी है कि हम कृष्ण के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो कृष्ण को छोड़ के बाकी जगह वो एनर्जी लगा देते, वो एंथुजियाज्म, वो उत्साह जो है और लगा देते, तो ये हमको कृष्ण की तरफ लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे वो कंक्लूजन ये था कि जो रस्सी है वो है, पर उसको सांप मान बैठना या सांप को रस्सी मान बैठना ये इल्यूजन है। रस्सी भी है और सांप भी। वैसे ही ये जो भौतिक संसार है, भगवान का क्रिएशन है, एब्सोल्यूट है, वो है, परंतु इसका जो भगवान से डिस्कनेक्शन कर दोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको सब नकली फील करवाएगा। वो आपको जो नकली होगा उसको असली फील करवा देगा, और जो असली है उसको नकली फील करवा देगा। ठीक है, जैसे तो जो कोई कोई स्त्री है या कोई स्कूल में गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, लाची लड़की है, उसको तुम बार बार निहार रहे हो, तो एक्चुअली वो है क्या? वो भी एक जीव है भगवान की दृष्टि से। अगर भगवान का कनेक्शन देखोगे तो जीव दिखाई देगा और आपको करुणा आएगी, लेकिन जीव वैसा नहीं देखोगे तो फिर आप सोचोगे हाँ ये इससे मैं विवाह करूंगा, इससे मैं ये करूंगा, और क्या होगा? अगर उसका बाल गिर जाए तो उस बाल को लोग लेके अपने नोटबुक में रखते हैं कि हाँ मेरे गर्लफ्रेंड का है, नो पवित्र है। तो देखो पवित्र कुछ नहीं है लेकिन वो बाल है। वही बाल जब घर में आपके खाने में निकल जाए तो आप माँ को कितना सुनाते हो, अरे माँ तुमने ध्यान नहीं दिया, बाल आ गया। वही गर्लफ्रेंड का बाल आप संभाल के रखते हो कि उसका बाल। देखो ये क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया जब डिस्कनेक्शन हो गया। वही उसका कोई रुमाल मिल जाए तो आप उसको संभाल के रखते हो कि ये उसका रुमाल है, उसके पवित्र नाकों को ये लगा हुआ रुमाल है। कोई जगाएगा भी गधे, कोरोना वायरस हो जाएगा, उसने नाक फटर फटर करके 5 बार पोंछा है ना, लेकिन माया वो तभी लगता है कि नहीं ये महापवित्र है। पर जहाँ एक्चुअली चीज पवित्र है, चरणामृत है, कोई भगवान का प्रसाद, अरे मैन आई डोंट बिलीव ऑल दिस, इट इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा बोलो फिर भगवान अपनी माया को भेज देते आपके पास, उसके ही सेवा करते हो, वो इल्यूजन है। माया का सेवा मतलब कैसे मालूम है? वो जो ट्रेडमिल पे लोग भागते ना, वो जो भागते आजकल एक्सरसाइज करते एक ही जगह पे भागते रहते, वो मशीन को बटन दबा के, वो भाग भाग के आप कितना भागते हो, आप उधर उसी जगह रहते हो, वो कोई भाग के उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं आने वाला है। तो उसी प्रकार ये माया में रहना मतलब आपकी एडवांसमेंट कुछ नहीं हो रही है कॉन्शियसनेस की, आप बस वही गोल 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 बस एंगेज हो रहे हो और कुछ नहीं। माया ने बराबर आपको एंगेज करके रख देना है बस, और कुछ नहीं। ध्यान से देखो,
अगर हम जो धन कमाते हैं, तो धन हम समझो कुछ कमाते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है कि जब हम हमारा कॉन्शियसनेस अपग्रेड कर पाए उस धन से, हम उस धन को ऐसी जगह लगाएं या ऐसे कार्यों में लगाएं जहां से हमारा कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो, तो समझ में आता है कि वो धन आपको आगे लेके गए। लेकिन हम धन क्यों कमाते हैं, तो समझो हम प्लास्टिक के चेयर पे बैठते हैं घर में, समझो कोई गरीब आदमी हो तो चेयर भी नहीं, धन कमा क्यों क्या लाता है, एक प्लास्टिक का चेयर लाता है। अच्छा वाला आप प्लास्टिक के चेयर पे बैठेंगे, प्लास्टिक के, मुझे आज भी याद है हमारे घर में जो मतलब बचपन में जो खरीदा था प्लास्टिक के, जो आज भी मतलब मेरे फादर बहुत यूटिलिटी वाला प्रिंसिपल है, तो वो चेयर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, और पैसा कमाया, अब क्या लाया उन्होंने, अब उन्होंने प्लास्टिक चेयर की बजाय सोफा टाइप लाया जो थोड़ा और कॉस्टली है और कुशन है और आपको थोड़ा रिलैक्स वाला फीलिंग देता है, रिलैक्स नहीं करता है वो, रिलैक्स वाला फीलिंग देता है, वहां रिलैक्स होता कोई नहीं है। उसके बाद आपको और पैसा आ जाए तो आप ज्यादा तौर तो नौकर रख लोगे पानी वानी लाने में। तो बेसिकली आपने क्या किया है, कुछ नहीं, आपने बैठने का ही क्रिएट किया। आप धन इतना था तो जमीन पे बैठे, थोड़ा और था तो कुर्सी पे बैठे, थोड़ा और था तो कुशन पे बैठे। तो बेसिकली आपने अपग्रेड कॉन्शियसनेस नहीं किया, आपने केवल मटेरियल एनहांसमेंट किया है जिसका आपके कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए माया आपको एंगेज करके रख दिया आपकी सोच में, आपने इल्यूजरी भगवान से डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी भूल गए कि मैं बैठा किसके लिए हूं, मैं बैठूंगा तो भगवान के लिए बैठूंगा और भगवान की स्तुति करने के लिए बैठूंगा, फिर जमीन में बैठना पड़े, चेयर पे बैठना पड़े, सोफे पे बैठना पड़े, किसी चीज पे बैठना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऐसे ही मटेरियल लाइफ में क्या होता है, माया कितनी स्मार्ट है एक्चुअली। हाँ, गिरिराज जी शायद आपका म्यूट रह गए हैं, तो यहाँ पे समझो कोई आपको क्या कहते हैं, अभी धन का एग्जांपल दे दिया, या कोई आपको मटेरियल अनाउंसमेंट करते हैं जैसे पढ़ाई लिखाई में, तो जो विद्या परा विद्या है यानी भगवान से कनेक्टेड विद्या है वो आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करेगा। आप भले ही बाहर से धनी ना हो, काम ना कर रहे हो, पर यहाँ से आपको अपलिफ्ट करेगा। लेकिन जो व्यक्ति परा विद्या के बजाय अपरा विद्या पढ़ेगा, यानी इधर की दुनियादारी की विद्या पढ़ेगा कि ये करने से ये लाभ होता है, वो करने से वो लाभ होता है, ये करने से हम इकोनॉमिक्स हम जो है रिफॉर्म ला सकते हैं, हम मटेरियल रिफॉर्म ला सकते हैं, वो इसमें जो करते रहेगा उसमें कृष्ण से डिस्कनेक्ट कर देगा, तो वो उसका जो डेवलपमेंट भी है वो दिखने में तथाकथित उसको लगेगा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं हो रहा है, जैसे पहले रास्ते नहीं थे ढंग के, तो क्या लोग आना जाना नहीं करते थे, आना जाना करते थे। मुझे आज भी याद है मेरा जो अपना गाँव है, यानी जो मेरा अपना घर का गाँव है पापा का, उधर से 6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर चल के जाएंगे तो मेरे मदर का नेटिव गांव आएगा, तो दोनों नजदीक हैं, है ना। अब तो सब दूर दूर हो गए, लेकिन पहले था कि वहां जो वहां तक चल के जाते लोग खेतों से, ससुराल जा रहे हैं बोले तो खेतों से पार करके 6 किलोमीटर चल के जाना है, तो दामाद का ग्रैंड रिसेप्शन होता था, इज्जत होता थी, कहते दामाद जी आए हैं, सब काम छोड़ के, लोग काम छोड़ भी पाते थे क्योंकि काम ही खेती बाड़ी करता, एक दिन पानी नहीं डाला तो कुछ नहीं होता है, तो लोग दामाद को खिलाते थे पिलाते थे, जो धोती कुर्ता को वस्त्र दान करते थे, मीठे मीठे शब्दों में भेजते थे, उनसे मीठा बोलते थे, फिर आके उनकी बच्ची जो बेटी जो अच्छा मीठा बोलते, तो पति पत्नी का रिलेशन रहता था। अब क्या है, अब रास्ते बन गए, हमको लगता है हमने डेवलपमेंट कर दिया, डेवलपमेंट तो हुआ, रास्ता तो बन गया ना, लेकिन अब कहाँ खोद खोद के टार निकाला, कहाँ कहाँ से वो सब उग्र कर्म कर रहे हैं। और दूसरा है, रास्ते तो बन गए लेकिन लोगों में दूरियां बन गई। अब दामाद दिन में 50 बार आ सकता है, लेकिन इतना कैजुअल हो गया कि कोई जा ही नहीं रहे, जरूरत नहीं ना, रिलेशन ही नहीं बचा है, तो रास्ते तो बन गए फैसिलिटीज, पर रिश्ते टूट गए। रिश्ते बन रहे थे जब रास्ते नहीं थे, तो दोनों में क्या चूज करना है, ऑब्वियसली मटेरियली दोनों भी वेस्ट है, लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो भगवान जो है वो नेचर को डेवलप करने के लिए आपको नहीं रखे, जो जो आपको चाहे उन्होंने दे दिया है पेड़ पौधे, फिर तो आपका आना जाना आवागमन थोड़ा ट्रेड है,
कुछ है तो मेन मेन एक रोड्स बन जाया करते थे, है ना, जिसमें प्राणियों की हत्या नहीं। आज आप देखो रस्तों से जाओ, 50 कुत्ते मरे रहते हैं। आप 200 किलोमीटर का राइड कर लो गाड़ी पे, आपको नहीं नहीं तो 10-12 कुत्ते मरे हुए मिलेंगे रस्ते पे, चटनी वगैरह तक हम लोग उसके साइड से निकालना चाहते हमारे टायर को ना लगे, है ना। तो ये तथा कथित जो डेवलपमेंट है, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट का हमारे इसे कोई लेना देना नहीं। तो ये माया है, आपने कृष्ण से डिस्कनेक्ट कर दिया, वही सारे ऑब्जेक्ट्स और नॉलेज अब आपको एंगेज कर देगी, लेकिन वो नॉलेज कृष्ण से कनेक्टेड नॉलेज, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत, उस विज्ञान को समझने के लिए आप गुरु के पास जाओ। जब वो आप समझ जाते हो, उसके बाद आप डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक्चुअल एडवांसमेंट, ये एडवांसमेंट है। जब कोई नेता बोले कि मैं आप सबकी चेतना ऊंची कर दूंगा, तो समझो आजकल क्या है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके सारा इंफॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब ये जनरेशन इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। पहले मैंने देखा कोई मुझे AI दिखा रहा था व्हाट्सएप पे, कुछ तो आया है AI, पता नहीं क्या है वो दिखा रहा, कोरोना दिखा रहा, दिखा रहा, तो उसमें दिखा रहा है कि वो बोल रहा है व्हाट इज दिस, धड़धड़ आके आ रहा है, फटाफट सब लिख के आ रहा है। मुझे लगता है जो गूगल सर्च है उसमें से फिल्टर करके कुछ सर्चेस दे रहे हैं, तो गूगल का ही सर्च वैसा दे रहे हैं, जो भी है अपना कुछ करके डेटा का डेटा मेटा डेटा टाइप कुछ किया। अब वो दिखा रहा है हु इज गदाधर, पूरा हिस्ट्री आ गया मेरा, वाह अब तो मैं कुछ और भी लिख दू, ब्लड सैंपल दे दू, सब लिख देंगे ये लोग। तो इनका काम है कि ऑलमोस्ट भगवान की तरह बनना, लेकिन क्योंकि ये भगवान है नहीं, तो आप क्या बोलते उसको AI जब का जब करके तो आपको उद्धार होगा नहीं। इन वही जो एब्सोल्यूट ये लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की तरह बुद्धि बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान जैसे हर चीज को बराबर इंडिकेट कर देते हैं, वैसे हम भी करें। आगे जाके मैं बोला ये AI आ गया, आगे जाके ऐसा आएगा, आप सिर्फ इच्छा करोगे तो आपके जो आंख और चेहरे का भाव होगा उससे वो समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, वो वही लाके देगा। ड्रोन कैमरे से खाना आएगा। लेकिन ये सब क्या काम का, ये मटीरियल एंगेजमेंट है, हाँ माया देवी का एंगेजमेंट है, इसलिए ये यहाँ पे कहा गया ये माया है। अब सेल्फ रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माया को समझाए दूसरे पैराग्राफ, ठीक है। वो यहाँ पे ये कहा गया है, एनीथिंग दैट अपीयर्स एज अपेरेंटली नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ माय एनर्जी इज कॉल्ड माया। अगर कोई चीज मुझसे उत्पत्ति नहीं हो रही है, ऐसे आपको प्रतीत हो रहा है, तो वो माया है, वो भी माया है, ठीक है। जैसे किसी को कोई चीज लगे अरे ये तो भगवान का नहीं है, तो अपने आप है, वो माया है, इल्यूजन। The conception that the living entity is formless or that the Supreme Lord is formless is an also illusion. क्योंकि इस दुनिया में हम सब चीज को आकार में देखते हैं, तो स्वाभाविक है हमको आकार लगता है। लेकिन जब कोई थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, हमने तर्कयुक्त बुद्धि से सोचने चालू करते हैं, तो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो स्वाभाविक है उसको लगता है कि नैति में रहता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोश, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं सात धातु नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव यानी मैं चेत ऑस्पिशियस आत्मा हूँ। शंकराचार्य बोल रहे तो इनडायरेक्टली कह रहे मैं लॉर्ड शिव हूँ। तो एक्चुअली ये सोचने के बाद आपको स्वाभाविक ये फॉर्मलेस वाला फीलिंग आएगी, जब मैं ये फॉर्म नहीं हूँ मटीरियल फॉर्म, तो मैं फॉर्मलेस हूँ, तो ये फीलिंग आएगा, तो ये भी माया है। क्योंकि एक्चुअली सोल का ट्रांसेंडेंटल फॉर्म होता है और वो यहाँ पे बीज स्वरूप में रहता है, और यहाँ पे जो बाकी है मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये सब भी पुरुष फॉर्म में होते हैं, ये भी पुरुष फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। मैंने मेरे ब्रह्मानंद वल्ली में जो उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, वो ऑनलाइन अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई चीज ऐसा लग रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि
ये सोचना कि जीव को जीव साकार स्वरूप नहीं है या भगवान साकार स्वरूप नहीं है, ये गलत। ये नेगेशन ऑफ नेगेशन एब्सोल्यूट पे नहीं चलेगा, ये तर्क शास्त्र से नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो कह रहे भगवान पूर्ण है, भगवान जो है वो साकार भी हैं और निराकार भी, क्योंकि अगर एक होंगे और एक नहीं तो वो अपूर्ण हो जाएंगे। तो निराकार वो इस ब्रह्म स्वरूप जो तेज है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। ये जो है ना विभूति, ये प्रकाश में उसके स्वरूप में भगवान है। यस्य प्रभा, वो निराकार है, और साकार किस रूप में, स्वयं अपने रूप में साकार है। तो कभी कभी जो अव्यक्तवादी है ये ब्रह्म तक सब साकार साक्षात्कार कर लेते हैं, तो इनको साकार रूप समझने में बड़ा कठिनाई होता है। जैसे आप जितने भी उपनिषद पढ़ेंगे, तो गोपाल तापानी उपनिषद और कुछ कुछ उपनिषद छोड़ के अन्य सभी उपनिषदों में जो चर्चाएं हैं वो आत्मबोध में है, यानी सेल्फ के रिस्पेक्ट में देखा गया चीज, इसलिए सेल्फ कहा गया। सेल्फ यानी आपके रेफरेंस में जो चीजें दिखती है वो टेम्पररी है, लेकिन भगवान जो है वो इससे भी ऊपर है साक्षात्कार। उनको आपको पहले ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करना होगा, फिर परमात्मा रूप में, और फिर भगवान स्वरूप में यानी व्यक्ति स्वरूप में। यहाँ कहा गया है, the conception that the living entity is formless and supreme lord is formless is also illusion. In Bhagavad Gita 2.12, it is said that the Lord in the midst of the battlefield, that the warrior standing in front of Arjuna himself, even the Lord, all existed before. हाँ, वो 2.12 का श्लोक खोलना। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये योद्धा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं रहेंगे। बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है जैसे स्पेस में चला गया श्रेयांश, सब काला काला है, चांद वांद पे जाके जब काला पीछे दिखता ना चाहे। तो एनीवेज, वो सारे बकवास मूवीज आपके कनाडा में ही बनते हैं, यहाँ सब इल्यूजरी वीडियोस बना के ये प्रतीत किया जाता है हम चांद पे गए। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां तो होंगी ना, आपके ब्रेड वेड होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक मजाक कर रहा हूँ, आप में से कुछ सीरियस श्रोता गण होंगे तो बोले अरे कैसा गुरुजी है, ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स। फिलोसफी ज्यादा हेवी हो गया ना तो इतना सोच पड़ जाएगा, इसलिए मैंने फिलोसफी सुनने का लोगों को पागल होते हुए देखा, इसलिए रिलैक्स, ठीक है, हंसी मजाक करते हुए समझो। तो यहाँ पे कहा गया है कि नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ऐसे कोई समय आएगा भी नहीं, ये तभी भी रहेंगे। मतलब कि अगर कोई ये तथ्य कहता है कि जीव जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो फिर वो अगला स्टेटमेंट गलत है, वो बाद में भी रहता है। वो बाद में रहता है मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखो नत्वेवाहम जातुनासम, ट्रांसलेशन लिखो नीचे। हाँ, देयर नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स नॉर इन द फ्यूचर शाल एनी ऑफ अस सीज टू बी। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम में से कोई गायब हो जाएगा, सब रहेंगे। तो इसको कहते हैं पर्सनलिज्म, यानी व्यक्ति कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। आप हमेशा रहेंगे, मैं हमेशा रहूंगा, सब रहेंगे, मरता नहीं है कोई, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर केवल जैसे क्या बोलते उसको, शरीर जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, नया शरीर मिलेगा, और तभी भी वो मनोमय पुरुष रूप में रहता है या वो प्राणमय पुरुष के रूप में रहता है। और ये जो एग्जिस्टेंस, इसको अन्नमय पुरुष कहते हैं, ना हम अन्नमय है, ना प्राणमय है, ना मनोमय है, ठीक है।
तो हम जो है चिदानंद रूप है शिव, हम शिव हम, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहे हैं In all circumstances, the Lord and all living entities are individual personalities. हर कोई एक व्यक्ति है, कोई अव्यक्त नहीं है, सब व्यक्ति है। And personal features of both the Lord and the living entities are never abolished. ये कभी भी विनाश नहीं होता, हमेशा रहेगा जीव और अव्यक्ति। Only the influence of illusory energy, the reflection of light in the darkness, can by the mercy of Lord be removed. ये जो अंधकारमय जगत है इसमें केवल भगवान की कृपा से ही वो निकाला जा सकता है। जैसे सूर्य का किरण आएगा तो सब जुगनू वाले टिम 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 हट जाएंगे और सब वस्तु अपने अपने स्थान में सही दिखाई देंगे। इन द मटेरियल वर्ल्ड द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट। ये जो सूर्य का जो तेज है ये भी अपने से नहीं आया है। नॉर इज दैट ऑफ द मून, न चंद्र का। ऑब्वियसली यहाँ के लोग बोलते हैं कि सूर्य से चंद्र को लाइट जाता है, चंद्र का अपना लाइट होता है और सूर्य का अपना लाइट होता है, लेकिन इन दोनों की लाइट को देने वाला भी और सोर्स है। द रियल सोर्स ऑफ लाइट इज ब्रह्म ज्योति व्हिच डिफ्यूजेस लाइट फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड एंड द सेम लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन वराइटीज ऑफ लाइट। और यही जो लाइट है वो अलग अलग लाइट के वराइटियों में रिफ्लेक्ट होता है। यही ब्रह्म ज्योति का जो तेज है ये अलग अलग तेजों में रिफ्लेक्ट होता है। The light of sun, the light of moon, the light of fire, the light of electricity, ये सब ब्रह्म ज्योति से आते हैं। तो जब आप इन लाइट्स को देखते हो तो आपको ब्रह्म ज्योति समझना चाहिए, ये उसी का यहाँ रिफ्लेक्शन। So the identity of the self as being unconnected with the supreme self, the Lord, is also illusion. इसलिए हमारा भगवान से किसी भी चीज से उसको भगवान से अलग देखना भ्रम है। And the false claim I am the supreme, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं परम हूं, ये भ्रम है। Is the last illusory snare of the same माया, ये माया का इस पिक का एक्का है, आखिरी पत्ता है, टपक। इसको कोई छोड़ दे और बोले नहीं माया, मैं कृष्ण का दास, बस उसके बाद वो निकल जाएगा, है ना? ये यहाँ पे कहा गया है। तो आगे जो वेदांत सूत्र के जन्मादि सेता को लेंगे लो, पर उसके बाद इसी रेफरेंस में हम आचार्यों की थोड़ी कमेंट्री को पढ़ लेंगे। एक मैं चाहता हूँ आप लोगों को वो तो नहीं लग रहा ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी लग रहा है वगैरह तो क्या बीच में कोई संटा पंटा के जोक्स बता दो, पर अभी छोड़ दीजिए। नहीं प्रभु जी, मजा आ रहा है प्रभु जी, हमको अपने आप को लेवल करना पड़ेगा, ना कि आपको नीचे लाना पड़ेगा। सही बात बोला प्रभु, अच्छा बात बोला आपने, सही बात बोला, अच्छी बात कही है, ताली बजाइए, क्लैपिंग। अरे वो फिर भी मैं संटा बंटा का एक जोक सुनाता हूँ ऐसी रिलैक्स करने के लिए, फिलोसफी को क्या है धीरे धीरे देने के लिए। बताया था शायद मैंने, संटा बंटा को बोलता है मेरा इस तारीख को शादी है, तुम्हें आना है। तो बंटा क्या बोलता है मालूम है? संटा बोलते बंटा को कि तुम मेरे शादी में आना। तो बंटा बोलता है घटना स्थल कहाँ पे है? ये जो दुर्घटना होने वाली है ये स्थल कहाँ पे? ऑब्वियसली इसको एडिट करके निकाल देंगे हम जोक को, नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे ये प्रभु जी अच्छे नहीं है, फिलोसफी के बीच में जोक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी के रेफरेंस में जो आचार्य की कमेंट्री है उसको देखते हैं। बाय दिस माया नथिंग इज परसीव्ड एक्सेप्ट अ रियल ऑब्जेक्ट अर्थम। हाँ ये मैंने ये पढ़ लिया था, ये दूसरा ये है, ये था भाषा, ये मैंने वहां पढ़ा दिया था फिर सांप आपका। ठीक है चलो मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ, सांप और बिच्छू जो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते वाला एग्जांपल मैंने देख लिया था। दो फ्लावर्स एंड हॉर्न्स एग्जिस्ट बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू स्काई एंड रैबिट। मतलब फूल और जो
वो है हॉर्न जो प्राणियों को होते हैं, ये है, ये है, कौन नहीं है बोला, ये तो है प्राणियों के पास है, फूल वूल पौधों में, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू स्काई एंड रैबिट, वो आकाश में और खरगोश से कनेक्टेड नहीं है. अ फ्लावर इन स्काई एंड रैबिट विद हॉर्न्स आर फॉल्स, ये कह देना आकाश पुष्प. तो फूल तो है, आकाश भी है, लेकिन आकाश पुष्प नहीं होता, आकाश को अपना कोई फूल नहीं होता. या खरगोश के सिंह कहेंगे तो सिंह होता है, खरगोश होता है, लेकिन खरगोश के सिंह नहीं होते. वैसे ही सिमिलरली दो बॉडीज एंड लैमेंटेशन कंफ्यूजन हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ऑल एग्जिस्ट एज एक्सपेंशंस ऑफ रियल मैटर, द बॉडी लैमेंटेशन कंफ्यूजन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर आल्सो आर कॉल्ड फॉल्स इन स्क्रिप्चर्स बिकॉज़ दे हैव नो रिलेशन टू द जीवा. बात समझ ली? तो अब क्या कह रहे हैं कि सुख दुख भ्रम कंफ्यूजन शरीर इससे इससे जो उत्पन्न होने वाली सब चीजें हैं, ये सब है जरूर, लेकिन ये असत्य माने गए हैं, फॉल्स. क्यों? इसका जीव से कोई लेना देना नहीं, ये है परंतु जीव से कोई लेना देना नहीं. ठीक है, तो ये यहां पे कहा गया है. तो जैसे वो आकाश पुष्प की बात होती ना, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट के दर्शन से सेल्फ के रूप में देखा जाए, आत्मा के दृष्टि से तो ये सब माया है, इल्यूजन है. दो द रिलेशनशिप ऑफ जीवा विद बॉडी इज फॉल्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अविद्या एंड डिस्ट्रॉयड बाय विद्या. ठीक है, तो जो जीवा है, दो द रिलेशनशिप ऑफ जीवा विद बॉडी इज फॉल्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अविद्या. तो जो जीव का संबंध है शरीर से वो एक्चुअल फॉल्स है, कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन वो अविद्या से वो जुड़ा हुआ है. अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है, कि मैं ये हूं, ये अविद्या, बस इतना जो जुड़ा हुआ है, इसके आगे पूरा काल चक्र चल रहा है. ठीक है, जैसे कोई सोचे ये मेरा, मैं ये कार हूं, कार वो है नहीं, क्योंकि पीछे जो मशीन इंजन जैसे चल रहा है सब ऑटोमेटेड डिजाइन, हमने बस एक बार इंजन चालू कर दिया, मेरा कार है तो अपने आप चालू करोगे, चालू करोगे इंजन, चालू करोगे क्लच, क्लच ब्रेक प्लेट ये सब जो भी है रेस वो सब ऑन हो जाएगा, गियर वेयर अब ऑपरेटिव हो जाएंगे, आपको लगे मैं चला रहा हूँ लेकिन आप नहीं चला रहे, मैकेनिज्म पहले से. ठीक है, वैसे कहा गया. Thus, vidya is compared to light and avidya is compared to darkness. इसी प्रकार विद्या जो है, हम लोग बोलते ना तमसो मा ज्योतिर्गमया, ये जो ज्योति है ये लाइट है नॉलेज का. एंड अविद्या इज कंपेयर्ड टू डार्कनेस, और जो अविद्या है ये अंधकार से वो माना गया. इन द 8th कैंटो दिस इज प्रूव्ड इन स्टेटमेंट, ये 8वें स्कंद में इसका प्रमाण आता है, इसमें कहा गया है छाया तपो यत्र न गृध पक्षौ, द लॉर्ड इज कॉन्स्टेंटली विटनेसिंग बट नॉट अफेक्टेड एंड हैज नो विद्या और अविद्या. भगवान का विद्या भी नहीं है, अविद्या भी नहीं, वो एकदम बाहर वाली चीज है, तो वो इससे अलूफ है, उन्हीं से बना हुआ चीज है, वो अलूफ है. ये बहुत बड़ा साइंस है भगवान को समझने में. ठीक है, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल आता है, यहाँ कह रहे हैं सम एक्सप्लेन द एग्जांपल दिस वे, अब कुछ लोग इसको एक अलग उदाहरण से समझाते हैं. द एग्जांपल ऑफ डार्कनेस रेफर्स टू कवरिंग और ऑब्स्क्यूरिंग पोर्शन ऑफ माया. ठीक है, जो डार्कनेस है, जो अंधकार दिया गया है, एक है कि आपने अविद्या किया, गलत जगह हाथ लगाया, अब वो ढक देगी. ठीक है, जिसको आवरण कहते हैं, आवरण यानी आप जैसे सूरज है लेकिन आपने अपने ऊपर चद्दर डाल दिया मोटा वाला, तो अब आप अंधेरा दिखेगा, अंधेरा है नहीं, चद्दर हटाएंगे तो दिन दिखेगा. तो वैसे ही माया का एक शक्ति है आवरणात्मक शक्ति, और एक दूसरा है विक्षेपात्मक शक्ति. ठीक है, ये दोनों काम करता है. तो एक है जो आवरण करेगी माया. Examples of obscuring and confusion aspects are being overcome with fear of snakes, tigers, or being possessed by a ghost. Okay. These are accepting by
जैसे कोई सांप, किसी को ना सपने में बहुत बार सांप सांप आते रहते हैं तो हमेशा डरते रहते हैं सांप से, या किसी पे भूत चढ़ जाते तो वो भूत से हॉन्टेड रहते हैं, पिशाच है उसके अंदर, वो घर छोड़ के नहीं जाएगा, वहीं बैठा रहेगा, कम नहाएगा, नॉनवेज खाएगा, वो पता चलता है अपने हम इस कामों में नहीं लगा है, तो ऐसे पिशाच पता किसी को हो जाए तो कैसे हॉन्टेड होता है। वैसे आवरण कर देती माया, पूरा हॉन्ट कर देती है, माया को भी पिशाच नहीं कहा गया है, वो आपको हॉन्ट करके रख देगी। आजकल नया सीरियल आ रहा है ना, उनसे तो ऐड आ रहा है चुड़ैल, सुहागन चुड़ैल, उसके डर से कोई शादी नहीं करेगा, कैसे लोग है क्या क्या बना लेते हैं, सुहागन चुड़ैल। हाँ स्त्री घर बताना, दे आर एक्सेप्टेड बाय टेकिंग द मीनिंग ऑफ तमस एज इग्नोरेंस। तो ऐसे जगह पे तमस जो है वो तमोगुण का प्रभाव माना गया है। Some explain the qualities of avidya, avaran and vikshepna, as non-apprehension of real objects and apprehension of unreal objects. यानी जो सत्य है उसको असत्य मान बैठना और असत्य को सत्य मानेंगे, तो ये भी एक प्रकार का विक्षेप शक्ति है। ये यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं, अगला ये पैराग्राफ लेंगे और यहाँ से भी करेंगे। देखो प्रभु यहाँ पे कम से कम और यहाँ के तीन पन्ने बचे हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बचे, तो आप ये मत सोचना कि आपको दया किया जाएगा। लेकिन ये हम माया का चैप्टर कितना लेक्चर चलेगा, माया का पढ़ेंगे वो चतुश्लोक की भागवत है, ठीक है। इसके बाद हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमने भागवत का इतना सारा नॉलेज लिया, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताइए पहले। हाँ इतना हमारे आचार्य ने हम लोग के लिए लिख के दिया और हम लोग ने ये पढ़ना हमारा जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। यस बहुत बहुत धन्यवाद, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक प्रश्न है, माया के दो प्रभाव जो है आपके पीछे आवाज आ रहा है प्रभु जी, तो थोड़ा सा उस आवाज को हटा सकते हैं, दूर जा सकते हैं थोड़ा सा। हरे कृष्णा, अब आ रहा है प्रभु जी। यस यस सर, माया के दो प्रभाव के बारे में भी बात कर रहे थे, प्रक्षेपक का, हाँ वो जो भी, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। प्रभाव क्या है, वही जो अविद्या है, हम अपने इस संसार से आइडेंटिफाई करने का अविद्या होता है, उसके बाद माया जो क्या करती है, हमारे बुद्धि को ढक के रख देगी, हमारे शक्तियों को ढक के रख देगी, हमारी चेतना को भी ढक के रख देगी और आपको दिखाएगी यही तुम हो, तो हम उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि गदाधरी तुम हो तो मैं आईने में देखूंगा मैं कितना सुंदर हूँ, मैं खा रहा हूँ कि नहीं, मैं चमक रहा हूँ कि नहीं, मैं ये हूँ कि नहीं, मैं वो हूँ कि नहीं, है ना, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब आवरण शक्ति है, पूरा आपको ढक दिया है, आपको पता ही नहीं इतना जो आप सोच रहे हो भाई ही नहीं, आप जो हो वो आपको सोचने नहीं दिया, आपको कोई बोलता आप आत्मा हो आप उस पे हंस रहे हो कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप आत्मा हो, आप इतने आवरण और उसमें घुस गए हो कि आप, आपको वो पता भी नहीं चल रहा है कि आप आत्मा। क्षेपक प्रभाव क्या है, आपके आवाज नहीं आ रहा है, क्षेपक प्रभाव, हाँ वो कल करेंगे, अभी वो आएगा आगे। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी मतलब जैसे जैसे हम पढ़ते चलते हैं वो हमें कंटिन्यूसली समझ में आती चलती है, जैसे इंग्लिश समझ में आती चलती है, तो फिर संस्कृत को अगर हम इसे इस तरीके से समझना चाहें तो उसे कहाँ से पढ़े? ये नहीं समझा, सनसेट क्या बोला आपने? संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत नहीं बोला, सनसेट कहाँ से आएंगे? अच्छा संस्कृत पढ़ना है, बहुत आसान है, एक बुक है मेरे पास, आप में से कितनों को पढ़ना है बताइए, हम लोग रोज आधा घंटा पढ़ेंगे, दिमाग हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रभु जी, हमें पढ़ना है, ठीक है, जो जो पढ़ना है ना मेरे को पढ़ना है प्रभु जी, कल तक पढ़ना चाहती हूँ कि जैसे हम गीता पढ़ते हैं, भागवतम के श्लोका पढ़ते हैं, तो हमें मतलब 100% नहीं तो लेकिन अप टू 70% हमें समझ में आती है। बहुत बड़ा पंडित तो नहीं हूँ लेकिन एक साधारण
मैं मतलब संस्कृत आराम से समझ लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पहले भी स्कूलों में पढ़ा है। तो एक बड़े स्कॉलर्स के सामने तो मैं बहुत ही बच्चा हूँ, मतलब कुछ हुई नहीं। उस लेवल का आपको जरूर पढ़ा सकता हूँ। जैसे आपको सिंपल बता दो, देखो अभी आपको श्लोका बताता हूँ, ये देखो बिना वर्ड टू वर्ड के बता दो। देखो रिते अर्थम, तो रिते तो विदाउट हो गया, अर्थम यानी वैल्यू हो गया। तो अर्थम कैसे बना? अर्थम हुआ द्वितीय, अर्थ और अर्थम, जैसे देव का होते ना देव और अकारांत, देव देव देवा, देवम देवो देवान, तो देव यानी कर्ता हो गया, करना करने वाला, यानी गदाधर, गदाधर कर रहा है, गदाधरो यानी दो गदाधर कर रहे हैं, गदाधराहा यानी बहुत सारे गदाधर है, कुछ कर रहे हैं एक साथ, लेकिन गदाधरम, तो गदाधर अब उसमें कर नहीं रहा है, वो उसके उस एक्शन के अंदर का पर्सन है। यानी जैसे हमने लिखा, अब जैसे माला माले माला है, तो आपका नाम पूजा माता है, तो पूजा पूजा गदाधरम स्वागत करोति, पूजा पूजा जी ने गदाधर जी का स्वागत किया, तो पूजा आपका प्रथम आ गया, क्योंकि मेरा हुआ है, मैं करता नहीं हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेरा द्वितीय आएगा गदाधर गदाधरम, और करोति क्रिया आएगा, कर रही है, कर रही है, किया था, करेगी, करिष्यति, करने वाली है। हाँ, या अकरोत, किया था, पास्ट टेंस, पहले किया था स्वागत, वैसा जो है पूजा हा, यानी करता कौन हुआ? पूजा गदाधरम यानी गदाधर को, तू गदाधर क्या किया? स्वागतम, वो भी द्वितीय में आ जाएगा, करोति अतर, करो, और करेगी, करिष्यति। अगर पूजा एक नहीं दो है, माला माल माला माले, तो पूजे पूजे यानी दो पूजा, पूजे हाँ, तो वो फिर तीन ही आएगा, उसका दूसरा आता है ती तह तऊ करता, तो दो 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 पूजा गदाधर का स्वागत करता, तो ये बदलेगा और ये बदलेगा, ये यहाँ रहेगा। जब ये अब करता ही नहीं है, ये कारण भी बन जाता है, तो ये अंदर में बन जाएगा अलग अलग, जैसे तृतीया आ जाएगा, देवा देवो देवा देवम देवो देवा, देवे न देवाभ्याम देवे, तृतीय देवेन हो गया, देवे न मतलब देवों के वजह से, उसी प्रकार से जो पूजया आएगा, तृतीया जो है पूजा नाम को पूजया आएगा, या गदाधर का गदाधरे न, तो समझो ऐसे लिखा है कि पूजा जी ने, पूजा जी के वजह से गदाधर का स्वागत हुआ, पूजा ने स्वागत नहीं किया, पूजा जी के वजह से स्वागत हुआ, तो पूजया गदाधरम स्वागत, वो ऐसे कुछ आगे आएगा जरूर, तो निमित्त बने हैं पूजा जी, ऐसा। तो ऐसे करके आपको बेसिक जो है वो सिखा सकते हैं, जैसे अर्थम है, यत है, प्रतीयत है, अभी समझो चात्मनी है, तो संधि आपको तोड़ना है, च और आत्मनी, आत्मन धातु जो है उसका आत्मनि बनेगा, द सेल्फ, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, तो प्रभु जी ये पढ़ा है 10th तक, मतलब पढ़ा था उस वक्त, अच्छे से समझ में भी आने लगी थी चीजें, लेकिन अभी मतलब सब आउट ऑफ द सिलेबस हो रखा हाँ, तो है। कुछ करना नहीं, एक बुक है मेरे पास, मैं वो बुक से पढ़ा दूंगा आपको, वो बुक का रेफरेंस दे दूंगा ऑनलाइन, मैं राजबेरी लाल की दुकान का नाम नंबर दे दूंगा, बैठे बैठे ऑर्डर करो, वो भी कुछ उसका भी धंधा हो जाएगा। अच्छा, ये तो आधा घंटा पढ़ा दूंगा, थोड़ा थोड़ा शाम में पढ़ा सकता हूँ, शाम में आपको खाली रहना चाहिए, 8:30 से 9 पढ़ा सकता हूँ, ठीक हाँ प्रभु जी, वो टाइम भी परफेक्ट है एकदम। है? वैसे तो शायद गैट वैट में पढ़ाने को दिया था, सच पढ़ाया भी था, लेकिन आप लोग गैट किया नहीं। हेलो पढ़ाया है प्रभु जी, अरे पढ़ाया है प्रभु प्रभु जी, उसमें पढ़ रहे थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु, वचन पढ़ा रहे थे, फिर वहां पर वहां से बंद ही कर दिया। चलो तो ऐसे ही पढ़ते हैं, उसी से कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्रभु जी हरे एक लिंक भेजा है मैंने आपको, रुक रुक सचित उदय यहाँ पे, सचित प्रभु, यस यस प्रभु। एक्चुअली वो पूरा नहीं हो पाया कोर्स, वहां से हम लोग वापस आ गए नासिक से, ऐसे होगा सचित तो अभी वापस शुरू करेंगे प्रभु, गुरुकुल आके वापस शुरू करेंगे। सची सुत प्रभु के जो दादाजी है वो बीमार है, इसलिए वो घर गए सेवा के लिए, तो नहीं तो वो
कर लेते थे, ऐसा है ठीक है, हम जो भी हमको आता है हम पढ़ा देते हैं। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, फिर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो धातु दे दिया है वो रात को कटना पड़ेगा, किचन में इधर उधर सब जगह लगाना पड़ेगा, फिर पता चला पति बोल रहा है अरे खाना दो, मालम माले मारा पति को बेलन से मारेंगे, अहम क्वाम बेलनाम हेकयामी, अहम बोलते ही वो आएगा हेकयामी तदामी गच्छामी, तुम मम झेलता, तुम मुझे झेलो, मैं सुधरने वाली नहीं हूं, अहम न सुधरोती न परिवर्तो होती न परिवर्तन, ऐसे भी कुछ करेंगे हम लोग अपना स्टाइल से पढ़ेंगे, है ना, बेसिक पढ़ लो, मैं पीएचडी तो नहीं करवा सकता आपको उतने लेवल का। कितना समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ते हैं ना श्लोक, वो एकदम ब्लैंक ना हो कि क्या लिखा है, मतलब कुछ कुछ चीजें समझ में आती है, जो जो पढ़ा हुआ जो याद है अभी, गमिष्यति गच्छामि जैसे कुछ कुछ संधियां याद है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कुछ भी अभी। ठीक है, जितना मुझे समझेगा उतना मैं समझा दू। 8:30 बजे अगर करेंगे आप लोग अपना मैसेज डाल दीजिए, मेरे को देखने चाहिए, कम से कम 25-30 लोग होने चाहिए, नहीं तो क्या है वो एक दो लोग बैठे रहते, वो भी कभी डांटी मारते, मेरे को मेरा टाइम देना पड़ता है, नहीं प्रभु जी। और वो कैसे होगा, मेरे अवेलेबिलिटी के साथ मैसेज डालूंगा, ऑलरेडी मेरे 100 काम, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी गुरु जी। आपकी रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, जो उधर पड़ेगा उसको पढ़ूंगा, नो रिकॉर्डिंग। हाँ प्रभु जी, हमारा भक्ति शास्त्री रहता है उस टाइम, बाद में पढ़ लेना, प्रभु जी 8:30 से 10 तक रहता है, भक्ति शास्त्री क्या करना है, मैंने ऑलरेडी गीता पढ़ा है, बोल देना हो गया करके। मंदिर में ब्राह्मण दीक्षा के लिए चाहिए ना प्रभु जी सर्टिफिकेट, ब्राह्मण दीक्षा क्या है, चलो ठीक है, चलो लोड मत लो, जो अभी ना अभी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि क्या है रिकॉर्डिंग करना मतलब वो कैमरा डालना, ये सेटअप वो सेटअप, और उसमें क्या है क्योंकि मैं खुद नया पढ़ा रहा हूँ, हंसी मजाक करूंगा, वो सब गायब हो जाता है उसमें, ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके मेरे को सर दर्द होता है, ये कैमरा वो क्लास के सामने ओम ओम करके तब मैं सिंसियर बनना पड़ता है, इतना सिंसियर मैं हूँ नहीं, पर ऐसे मैं अच्छा डिवोटी हूँ, ये मत समझना कि मैं अच्छा डिवोटी हमारे लिए तो आप क्लास में ही कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे बहुत अच्छा ड्यूटी हूँ, और ज्यादा फॉर्मल नहीं हूँ, बहुत फॉर्मल होते हैं ना, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑन या नाउ वी विल स्पीक द धातु, से कुछ नहीं, बीच में मजाक करने का जगह नहीं मिलता, इसलिए आप बाद में कभी हम लोग करेंगे, जो जो आ सकते हैं उनको हम 8:30 से 9 सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो जो होमवर्क दूंगा वो रोज करना है, नहीं तो फिर आपको वो पढ़ नहीं पाएंगे। जी जी प्रभु जी, मूल शब्द तो आपको आने चाहिए, ठीक है प्रभु जी, पक्का प्रभु जी, 8 to 8:30 ले लीजिए ना, ठीक है 8 to 8:30 ले लो, चलो हाँ वो भी अच्छा है, तो 8:30 से 9 अपने गरम गरम खाना खिला सकते हो घर पे, जो खा रहे हैं, ये कब से कर सकते हैं, जाओ बड़ा बड़ा विद्वान बनो, पूरे शहरों में जाके ढिंडोरा पीट दो, डायरेक्ट श्लोकों से पढ़ाऊंगा, मतलब आपको ऊपर से चली जाती है, तो बस वही है कि गीता भागवतम हम जब श्लोका पढ़े तो एटलीस्ट समझ में आए, कहीं सुने तो समझ में आए कि क्या बोला, नहीं तो सब ऊपर से जाता है। माता आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रेमानंद महाराज की तरह लॉन्च कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो गुरु है उनकी, मजाक कर रहा हूँ, आप एकदम श्लोका पे श्लोका गा सकते हैं, चलो चलो कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत तगड़ा टीचर हूँ, बस इतना ही है, जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा अलग फिर अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ, ये तो क्लास है ना, जब मैं किसी को 1-to-1 पढ़ाता हूँ ऐसा जो ग्रुप में, तो फिर वो थोड़ा होमवर्क आपको तगड़ा करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, उधर डांट वांट खाना पड़ेगा, वो रेडी है तो पढ़ो, नहीं तो मुझे स्कूल डेज हमें याद आएंगे अगर आप डांटोगे तो, क्या करना वो स्कूल का जैसा वो टोपी भी पहन के आ जाना, मेरे याद रहेगा स्कूल की तरह। लेते हैं पढ़ाने वाला तो हुई मैं, दोपहर में कर सकते हैं प्रभु जी, दोपहर में, ओह माय गॉड यस, दोपहर में चाहिए, रात को चाहिए,
मैं आपको बताऊं, ये तो आज पहली बार मैंने कितने दिनों बाद लेक्चर से पहले ब्रेकफास्ट किया, नहीं तो मेरा ब्रेकफास्ट करते करते ही 11:30 हो जाता, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने खाना नहीं खाया। मैं ऐसे क्लास होकर यही बैठा रहता, 10:04 रहते लोग आते ही आते करते करते फिर खाना मैंने कल का लंच मैंने 4:30 किया, पता चला मैं कहता हूँ राइस दाल सब्जी सब खत्म हो गया था, थोड़ा सा अलग से बनवाया फिर खाया। तो क्या होता है मेरे को ऑलरेडी डे टाइम में 100 कॉल्स आते हैं और अभी मुझे फंड कलेक्शन करना है, कैन यू इमेजिन 500 बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनका एडमिशन देना है, ये करना है, उसमें से आप में से कोई वॉलंटियरिंग करने यहाँ आता नहीं, आप तो अपने रूम में सबको मेकअप करके बैठे हो चुके भी बाहर चल रहे होगा जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ऑनलाइन यूट्यूब में मेरे से बाप लोग बैठे संस्कृत में, संस्कृत में तो बापा लोग बैठे, मैं तो उधर मैं वो बड़ा समुद्र में कूद के अपना आइडेंटिटी क्राइसिस में जाने वाला हूँ, लेकिन इतना जरूर पढ़ा सकता हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ेगा उसको मैं संस्कृत का पारंगत लेवल तक तो ला सकता हूँ कि ये क्या। व्याकरण में क्या होता है 1400 रूल्स हैं, वो रूल्स फिर बहुत रूल्स हैं जो आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब वो मेरे को मेरे जो गुरुजी हैं, जब आप उस लेवल पे आओगे तो मेरे गुरुजी हैं पीएचडी हैं, इनसे पढ़वा दूंगा आपको, वो पढ़ा रहे थे मेरे को, लेकिन फिर वाइस मैं बनारस वाइस प्रेसिडेंट बन गया, मैनेजमेंट आ गया, फिर उसके बाद मेरे को समय नहीं मिला, नहीं तो मैं वो तभी बैठ गया था, वो 20 साल के थे और मैं मेरे को लगा मैं 30 या 32 का था, तभी मैं उनके पाँव के पास बैठता था, पर तो बोलते अरे आप बहुत नम्र भाव के हो, बाजार में मिलता तो पाँव छू लो, तो बहुत मानते मेरे को, है ना, तो है ऐसा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस किसी के हैं तो हाथ ऊपर रखिए, बाकी लोग हाथ उठा लीजिए, रखिए। श्रीमन नारायण प्रभु, श्रीमन नारायण से सवाल पूछने हैं अबाउट नारायण। यस प्रभु जी, नारायण नहीं पूछ रहे हैं, श्रीनाथ जी हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रहा था व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन नांदो गुरुर हितम, ब्रह्मचर्य मतलब आप अपने जीवन का जो प्राइम फेज है, यानी बचपन के 5 साल से लेके जो आपका 16 से 20 25 साल तक जो एज है, इस प्राइम एज में आप अपने गुरु के शरण में रहते हुए गुरु की आज्ञा को भगवान नारायण की आज्ञा समझते हुए आप वो शास्त्रों के पराविद्या और अपराविद्या ये दोनों विद्याओं का जब आप अध्ययन करने लगते हैं और अपना पूरा समय उसमें बिताते हैं और किसी भी प्रकार का मटेरियलिस्टिक एंगेजमेंट नहीं रखते, आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उस लाइफ को और जो कहते हैं ब्रह्मचर्य लाइफ के, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ बनता है, गृहस्थ जीवन में जाता है और जिम्मेदारियों को करता है, क्योंकि गुरु से सब कुछ सीखा है, ग्रेविटी सीखा है लाइफ का, तो वो पूरा ग्रेविटी के साथ अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है, उसमें उसको बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, साक्षात्कार मिलते हैं, फिर वो वानप्रस्थ में जाता है और उसको अपने आप वैराग्य आ जाता है और फिर वानप्रस्थ से धीरे धीरे वो सन्यास की तरफ बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य फर्स्ट फेज। ओके श्रीनाथ जी प्रभु, क्लास के बाद में थोड़ा कॉल करूंगा मैं आपको प्रभु जी। एकदम एकदम आप प्रभु, आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके प्रभु, थैंक यू आपको कभी जरूरत नहीं। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। विल्व मंगल ठाकुर जी की जो जीवनी है वो तुलसीदास जी और सूरदास जी से मैच करती है, हाफ हाफ सेम कैसे हैं प्रभु जी? अलग हैं, सूरदास जी को पता नहीं, विल्व मंगल ठाकुर टोटली अलग पर्सनालिटी हैं, लेकिन उनके जो अंधे होने के बाद का वो जो है ना, सूरदास जी शायद पहले से अंधे थे। हाँ सूरदास जी अंधे थे, अंधे नहीं थे, विल्व मंगल ठाकुर ने अपना आंख फोड़ लिया। हाँ वही, उसके बाद जो भगवान एक जैसे लगते तो लोग बोलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कथाकार मिक्स कर देते तो उसको सेग्रीगेट करना नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चावल कंकर दाल मिक्स हो जाए राशन में तो घर आके लास्ट में खिचड़ी बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा चावल दाल मिक्स हो जाए तो छुड़वाते छुड़वाते में दिन जाएगा, लोग बोलते दोनों को साथ में उबाल के खा लो, ऐसा वाला चीज। ठीक है, इस बात को छोड़ दी, मेरा उसको प्रमाण नहीं। ये सूर्यवंशी माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी नहीं मी संस्कृत शिकवायचं ना त्याच्यासाठी मी हात वर केला होता. यस तुम्ही पण शिकाही. सूर्यवंशी माताजी जो है ये हमारे जो प्रभु है ना क्या नाम अमरेंद्र प्रभु उनकी टीचर रह चुकी है स्कूल की. ये हमारे रेगुलर क्लास में आती है माताजी. बहुत जेन्युइनली पढ़ती हैं. बहुत वर्णाश्रम धर्म का अपने पति की सेवा कर दी है और सभी चीजों को बहुत सारा कष्ट झेलने के बावजूद भी भगवान के चरण को बहुत जोर से पकड़ के रखा है. ये माता हम सबकी आदर्श है. आपको प्रणाम माता जी. आपको पर्सनली मैं आपको नहीं डांटूंगा. ये जो नए ये जो मेरे से बदमाशी करते हैं इन लोग को डांटूंगा. आपसे स्पर्श करूंगा. आपका आशीर्वाद दीजिए कि ये आपका दूसरा शिष्य जो है वो दूसरों को सिखा सके. ठीक है आशीर्वाद दिया तुम्हें. हाँ तुमचे आशीर्वाद दुआ सगळ्यांचा मला असू देत. यस और कौन बचा जो श्रवण जी क्वेश्चन. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी yes. आठ से कर देंगे तो फिर सूर्या प्रभु जी का आपका क्लास थोड़ा मिक्स हो जाएगा प्रभु जी. उनका खत्म ही नहीं होता. ओ गुरुकुल कुटामा गुरुकुल प्रभु जी. नहीं नहीं मैं रात को 8 बजे लूंगा. अच्छा रात को 8 को. हरे कृष्णा हरे कृष्ण. लिंक कैसे मिलेगा प्रभु जी. हम प्रभु जी आपके व्हाट्सएप पे तो हमारे नहीं है. लिंक कैसे मिलेगा हमको प्रभु जी. आप व्हाट्सएप पे नहीं है. नहीं प्रभु जी बस इसी से आप काम चलते. कौन जमाने में रह रहे हैं. एआई में लोग जल्दी की कुंडली निकाल रहे हैं. एक काम करके लिंक जो है मुझे लगता है यही जो लिंक है ना जी जी यही को एक्टिवेट करना पड़ेगा. दूसरा पैसा थोड़ी भरने वाला हूँ. यही पैसा भरता हूँ. इनसे करेंगे काम. पूरा वसूल करेंगे. भारतीय लोग हैं. पूरा वसूल पैसा वसूल. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओके अभी समय हो गया है. बाकी किसी प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी. ओके बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जो बर्बरी थे ना महाभारत में तो उनका शीश काट जब कृष्ण भगवान जब शीश उनका शीश दान मांगे थे तो वो शिखर राजस्थान में उनका खाटू श्याम का है. और महाभारत जो कुरुक्षेत्र का है वो तो हरियाणा में है. तो फिर वो उनका शीश वहां पे कैसे गया इतना दूर. वो ये समझ नहीं आया. ये सब ज्योग्राफी और हम जो अभी बना रहे हैं. पहले ऐसा कुछ नहीं था. पहले आप सोचो ना अगर हरियाणा में वहां युद्ध हुआ था तो मतलब राजा लोग राजस्थान इधर उधर ही रहते होंगे ना. तो वो पता नहीं. उतना स्टोरी मैंने नहीं पढ़ा है. मैंने एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया था प्रभु जी और किसी ने मुझे यही सवाल कर दिया. अब मैं क्या बताऊं. नहीं 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 देखो ऐसे तो देखो प्रभु जी किसी को कुछ भी पूछना आसान है. आपको नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता. आसान काम आसान हो जाता. आपको हेडेक हो जाता. झूठ मूठ का खोजो. ये करो. हमको थोड़ी मार उड़ के गया. वो कोई लेके स्थानांतर किया क्या किया. भगवान लेके गए. कोई दूसरा राजा महाराजा जीतने के बाद पांडवों ने किया. आपको थोड़ी पता. पता है तो बोल दो. नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता. जरूरी नहीं कि आपको हर चीज मालूम होना चाहिए. समझा. नहीं पता है तो ऐसे थोड़ी है. बोले कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हो आपको नहीं पता. ही आ जाएगा वो. बोले भाई तू हंस पर मुझे नहीं पता. जी प्रभु जी. ओके धन्यवाद प्रभु. हमारे सामने प्रभु जी बैठे हैं. प्रणवेश प्रभु बहुत नम्र स्वभाव के भक्त है. ऐसे एकदम ऐसे वो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से पूछेंगे. मैं आपको बताऊंगा. ये सुन कि जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हाँ दूसरा पूछते तो बोलता है अरे ये क्यों दे रहा है. वो तो नहीं देना चाहिए. यूटिलाइज कर सकता है. ऐसा बहुत कुछ आता है. लेकिन एक सुख की अनुभूति हुई. वो जब सुख की अनुभूति होती है उसका कम ज्यादा पोर्शन है. प्रभु जी कह रहे हैं जब हम किसी को दान देते हैं तो द्वंद्व होता है मन में कि देना है नहीं देना है. पर जब दे देते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है. ये आनंद कहाँ से आता है. तो एक्चुअली वो आनंद जो देने का नहीं आता. वो आनंद आता है क्योंकि आप दूसरे जीव को मदद कर रहे हो ना. तो एक थोड़ा ईश्वरीय भाव आता. मैंने हेल्प किया वो हमको अंदर से प्रसन्न करता है. हमारा मन जो है वो अहंकार में प्रसन्न होता है. और उस अहंकार को हम सिंपथी वाला भाव देके अपने आप को 10 बार सुनाते हैं. जैसे मैंने सुना दिया ना वो बच्ची को हेल्प किया.
मैं लगता क्लास में चार बार सुना है वो अहंकार वाला भाग है तो ठीक है वैसे ही रहते हैं। ठीक है सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।